गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास 12th के लिए। और हमने वीडियो लेक्चर फर्स्ट के अंदर वेक्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे, उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हम वीडियो लेक्चर 2 के अंदर एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया मैंने, वो दे रखा है इफ ए वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर, इफ ए वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर। कोई वेक्टर ए है, वो वेक्टर ए हमारे पास क्या दे रखा है, नॉन जीरो। तो इसका मतलब वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेक्टर ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। उसके बाद दिया है फाइंड द स्केलर के। तो हमने स्केलर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू वैक्टर ए इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों रिजल्ट्स के ऊपर मोड की वैल्यू अलग अलग करेंगे। तो रिजल्ट आएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर ए इज इक्वल टू 1। अब वैक्टर ए को हम लिख के आएंगे राइट हैंड साइड, तो क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर ए। जब यहाँ पर मोड की वैल्यू हम रिमूव करते हैं तो उस केस के अंदर दो वैल्यू आती है हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो रिजल्ट क्या बचेगा, के इज इक्वल टू +-1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर ए। यही हमने फाइंड करना थी, इसके अंदर के की वैल्यू हमने लिख के आनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, वो क्या दे रखा है, इफ ए वैक्टर ए इज इक्वल टू वैक्टर बी इज इट ट्रू। हमने बताना है कि ये ट्रू है या नहीं है, ट्रू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी। हमने इसको प्रूव करके बताना कि ये रिजल्ट इक्वल है या नहीं है। देखो बच्चों, अगर कोई भी दो वेक्टर हैं, अगर वो दोनों वेक्टर इक्वल है, मैंने एक वेक्टर क्या लिया, ए लिया, और एक वेक्टर मैंने क्या लिया, बी लिया। अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है, इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इनका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। तो इसका मतलब ये रिजल्ट हमारे पास क्या है, ट्रू है। सेकंड दे रखा है कि अगर किन्हीं भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं इक्वल देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर बी, तो हमने ये बताना है इज इट ट्रू दैट वैक्टर ए इज इक्वल टू +-, वैक्टर बी। देखो यहाँ पर दो रिजल्ट हैं, अगर मैं प्लस का बी लेता हूँ, इट मीन्स वैक्टर ए इज इक्वल टू वैक्टर बी लेता हूँ, तो उस केस के अंदर दोनों वैक्टर सेम होंगे लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। लेकिन अगर मैंने ये लिया वैक्टर ए इज इक्वल टू -vector b, देखो मैग्नीट्यूड के अंदर नेगेटिव रिजल्ट भी पॉजिटिव हो जाता है। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो उस केस के अंदर इन दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू इक्वल मिलेगी, लेकिन इन दोनों की लेंथ अगर सेम हो तो, लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या मिलेगी, अपोजिट मिलेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया प्रूव दैट नेगेटिव ऑफ नेगेटिव वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए। देखो बच्चों, माइनस ऑफ माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू को वेक्टर ए के इक्वल हमने प्रूव करना है। तो मैंने सपोज किया कि मेरे पास ए बी कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी डायरेक्शन दे रखी है ए टू बी, और इसको मैंने वेक्टर ए के इक्वल क्या किया, सपोज किया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए। अब मैंने दोनों तरफ नेगेटिव साइन लगाया, माइनस ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। अब माइनस ऑफ वेक्टर ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए के इक्वल। तो मैंने यहाँ पर इसको लिखा वेक्टर बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए।
दोबारा से मैंने नेगेटिव साइन ऑपरेट किया दोनों तरफ, तो देन माइनस ऑफ वेक्टर बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस वेक्टर ए। अब माइनस ऑफ वेक्टर बी ए किसकी इक्वल है, वेक्टर ए बी की इक्वल है, क्योंकि डायरेक्शन हो जाएगी इसकी अपोजिट। तो रिजल्ट बचेगा वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस वेक्टर ए, और वेक्टर ए बी किसके इक्वल है, वेक्टर ए के इक्वल है, और ये राइट हैंड साइड दे रखी है माइनस ऑफ माइनस वेक्टर ए। यही हमने इसके अंदर क्या करना था, प्रूव करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बजाय मैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फोर और फिफ्थ दोनों सेम ही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया वेक्टर ए इज इक्वल टू ए बी, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी सी, वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी सी। आर द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, आर द टू एडजेसेंट साइड, टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई और एफ। फाइंड द वेक्टर, फाइंड द वेक्टर, तो हमने वेक्टर फाइंड आउट करना है। फाइंड द वेक्टर सी डी, फाइंड द वेक्टर सी डी डी ई और ई एफ, और क्या दे दिया एफ ए, और क्या दे रखा है ए ई एंड ए सी ई, सी ई इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड ए वेक्टर बी। तो इसके अंदर बच्चों हमें क्या करना है, एक रेगुलर हेक्सागन लिया, तो मैंने लिया 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसका नाम दिया मैंने ए बी सी डी ई और एफ। इनकी डायरेक्शन दे रखी है ए टू बी, ए टू बी दे रखा है वेक्टर ए, और बी टू सी दे रखा है वेक्टर बी। तो बाकी जितने भी बचते हैं, वेक्टर सी डी बचता है, वेक्टर डी ई बचता है, वेक्टर ई एफ बचता है, और वेक्टर एफ ए बचता है, और वेक्टर ए ई, वेक्टर ए ई, ए टू ई और सी ई, उसके बाद सी ई वेक्टर, इन सभी को हमने सी टू ई ए बी की फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। तो मैं ट्रेंगुलर लॉ ऑफ एडिशन का यूज करूंगा इसके अंदर। अगर हम ए टू बी और बी टू सी जाते हैं, तो उस केस के अंदर मैं वेक्टर ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो वेक्टर ए सी मेरे पास किसके इक्वल आएगा, वेक्टर ए सी आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल, और ए डी इज इक्वल टू वेक्टर ए टू डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए बी, ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी, क्योंकि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम और ये रेगुलर है। तो उस केस के अंदर ए डी हमारे पास जो है वो बी सी की क्या हो जाएगी, दुगनी। तो ए डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी। अब ए सी हमारे पास गिवन है, सी डी हमने फाइंड आउट करनी है, और ए डी हमारे पास गिवन है। तो सी डी मैं फाइंड आउट करूंगा सी टू ए, सी टू ए सी ए प्लस ए डी, ए डी सी ए हमारे पास है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि हमने ए टू सी फाइंड आउट किया है। तो ये माइनस वेक्टर ए सी और प्लस में कितना हो जाएगा, ए डी। ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का वेक्टर ए इंटू माइनस वेक्टर बी और प्लस टू इंटू वेक्टर बी। इसको सोल्व करेंगे तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, सी डी की वैल्यू आएगी, सी डी की वैल्यू आई वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब उससे नेक्स्ट जो केस आएगा, उस केस के अंदर हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बी ए बी एंड ई
ई डी आर पैरेलल एंड इक्वल बट डायरेक्शन आर अपोजिट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए के इक्वल। डी ई की वैल्यू क्या आई, माइनस का ए, ए डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो ए ई की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ए सी बी के इक्वल है और ई एफ ए सॉरी बी सी बी के इक्वल है, बी सी और ई एफ दोनों पैरेलल और इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। और सी डी और ए एफ ये दोनों पैरेलल और इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस ए प्लस ए सॉरी प्लस ए माइनस वेक्टर बी के इक्वल हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने इन सभी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर लिया, क्वेश्चन नंबर मैं 7 लेता हूँ, 6 और 6 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेम है। क्वेश्चन नंबर मैंने 7 लिया, ये दे रखा है डी इज द मिडल पॉइंट ऑफ द साइड बी सी। इफ डी इज द मिडल पॉइंट ऑफ द साइड बी सी, ऑफ द साइड बी सी ऑफ अ ट्रेंगल, ऑफ अ ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, तो हमने प्रूव करना है ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डी। तो इसके अंदर हमने क्या किया, ए बी सी कोई भी एक ट्रेंगल ली, ए बी सी हमने ट्रेंगल ली, ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट। डी पॉइंट जो है वो मिडल पॉइंट है बी सी का, इसका मतलब बी डी और डी सी दोनों इक्वल मिलेंगी। अब इसके डायरेक्शंस अगर मैं ए टू बी और बी टू सी लूँ तो इस टाइप से मेरे पास डायरेक्शन मिलेगी, अगर ए टू सी बी टू सी टू डी लूँ तो इस टाइप से मेरी इसकी डायरेक्शन मिलेंगी। अब मैंने ए और डी को किया ज्वाइन, अगर मैं ए बी डी के ऊपर ट्रेंगुलर लॉ ऑफ एडिशन लगाता हूँ इस फर्स्ट ट्रेंगल के ऊपर, तो उस केस के अंदर ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई। अगर सेकेंड ट्रेंगल लेता हूँ ए डी सी, तो इस केस के अंदर वेक्टर ए डी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी और प्लस में कितना आया सी डी, ये आई इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को मैंने ऐड किया तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी और प्लस प्लस बी डी और प्लस डी सी। अभी बी डी और सी डी की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो रिजल्ट कितना बचेगा, ट्वाइस ऑफ ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो इसके अंदर हमने यही जो है प्रूव करना था। तो बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर 10 ही क्वेश्चन है, तो आपने इन 10 क्वेश्चनों को सोल्व करके देखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको इनके किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो जो आज डाउट जो सेशन होगा उस डाउट सेशन के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम को ले सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।